पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर रखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। उनका एक स्पेशल तैयारा भी बुक कर लिया गया है और उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन लाहौर में जो इन्होंने डेमो शो किया है उससे अंदाज़ा होता है कि अवाम उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 16 माह की हुकूमत ने अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है और महंगाई को जिस अरूज तक ले गए हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि अवाम इनसे नाला हैं और अवाम किसी सूरत में भी इनको इस्तकबाल के लिए तैयारी करने की इजाज़त नहीं दे रहे। बस खबरें ये भी हैं कि कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ का दौरा मनसूख कर दिया जाए और वो दुबई से ही वापस इंग्लैंड चले जाए, क्योंकि ये बात भी इन्होंने फैलाई है कि डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप का सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं और आपके हार्ट में भी मसला है और बहुत सारे तिबी मसाइल हैं। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है नैब के बारे में उसे भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं, और नवाज शरीफ साहब को अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनको उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दी जाएगी और वो बाहर आएंगे। लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो किसी ना कोई ऐसा बयानिया गाड़ कर वापस चले जाएंगे और फिर शायद इलेक्शन के करीब अगर आना हुआ तो आएंगे, क्योंकि जो ज़राए कह रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून में शदीद किस्म की दरारें पैदा हो चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कल सदर आरिफ अलवी के साथ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात की है और उन्होंने सदर से रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को ठीक कराएं ताकि इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा ले सकें। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए और इमरान खान की को रिलीफ दिया जाए और वो बाहर आकर इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है। उन्होंने किसी सूरत में भी पाकिस्तान नहीं आना, जो हमारे ज़राए यही कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। अभी ये देखते हैं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वापस चले जाएंगे।